दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शैलेश पांडे के लाइफस्टाइल के बारे में। लेकिन आपको हम बता दें कि शैलेश पांडे कौन है। शैलेश पांडे कैमरामैन है जिसके कैमरे से बचना स्टार एक्टर्स के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हां, अगर आप फिल्म स्टार के लाइफस्टाइल पर नज़र बनाते रखते हैं और अगर आपको अपनी पसंदीदा एक्टर से जुड़ी हर कोई छोटी छोटी जानकारी चाहिए तो आप शैलेश पांडे या वायरल भयानी को तो ज़रूर फॉलो करते होंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई लोगों के लिए इतने कम समय में शैलेश पांडे या छोटू पांडे को कोई नया नाम नहीं है। ये जनाब है एक पेपर राजी जिसके कैमरे से शायद ही कोई स्टार कैप्चर होने से बचा होगा। बॉलीवुड और टीवी स्टार पर नज़र रखने वाले और उनकी जानकारी देने वाले, चले आज हम आपको सभी की खबर रखने वाले शैलेश पांडे की खबर देते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है, वहां पे शैलेश पांडे का जन्म हुआ और उसके बाद अभी मुंबई में रहने लगे शैलेश पांडे। मुंबई में पहाड़ा जानकी देवी लाइन में उनका एक छोटा सा रूम है। अब बात करते हैं उनकी उम्र की, तो उनकी उम्र तकरीबन 22 साल है। उन्होंने उनकी पढ़ाई नेपाल में 10वीं तक ही की। उनको पढ़ाई का ज़्यादा शौक नहीं था इसलिए वो आगे पढ़ नहीं पाए। अब बात करते हैं उनके फैमिली की, तो उनके फैमिली में उनके घर में मम्मी पापा है, भाई भाभी है और चाचा चाची है। शैलेश पांडे के पापा मुंबई में 20 से 25 साल से रह रहे हैं। वो बिजनेस करते हैं, वो मुंबई में सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं। अब बात करते हैं उनके बाइक की, तो शुरू में उनके पास बाइक नहीं थी, उनके पास साइकिल थी जो जा जाकर वो सेलेब्स के फ़ोटो कैप्शन किया करते थे साइकिल पर। फिर लॉकडाउन में जब प्रिंस नरूला और युविका ने देखा कि शैलेश पांडे साइकिल पर ही भाग भाग कर वीडियो बना रहे, तब उन्हें अच्छा नहीं लगा और फिर दोनों ने शैलेश पांडे को एक स्कूटर गिफ्ट दिया और आज उनके पास एक स्कूटर बाइक है। अब बात करते हैं शैलेश पांडे की कमाई की, उनकी इनकम की, तो उनको फोटो कैप्चर और वीडियो बनाने के विरल भयानी नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट के मालिक खुद विरल भयानी 20,000 पर मंथ देते हैं। और अभी रिसेंटली शैलेश पांडे ने भी अपना ऑफिशियल खुद का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिस पर अभी 1,07,000 के फॉलोअर्स है। वेल, शैलेश पांडे का फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जैकी श्रॉफ का वीडियो था जिसमें जैकी श्रॉफ कहते हैं शैलेश से लिप करा दूँ क्या। फिर उसके बाद उनका दूसरा वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें वरुण धवन ने शैलेश पांडे को उठाकर एक वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद एक के बाद एक पांडे जी काफ़ी फेमस हो गए और उनके हर एक वीडियो वायरल होने लगी। एक इंटरव्यू में शैलेश ने कहा कि जब 1.5 साल पहले मैं किसी का फ़ोटो कैप्चर करता था तो मुझे वहां से भगा दिया करते थे और 1.5 साल के बाद मेरी मेहनत से किस्मत ही बदल गई लॉकडाउन में और उनको आज काफ़ी लोग सपोर्ट करते। उन्होंने आगे कहा उनको आज ज़्यादा सपोर्ट करते जय भानुशाली, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, मिक्का सिंह, अली गोनी, रश्मि देसाई और प्रिंस नकुला। तो फ्रेंड, ये थी शैलेश पांडे की एक छोटी सी जर्नी। आपको ये जर्नी शैलेश पांडे कैसी लगी हमें नीचे कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हैं।